इतिहास कैसे करवट लेता है, आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आई एम रीडिंग दिस बुक बॉर्न टू बी हैंग्ड। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में, उनकी पॉलिटिकल जर्नी और कैसे उनको फांसी दी गई, ये पूरी कहानी है, उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो ये बुक पढ़ते वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराग्राफ मेरे सामने आया। तो जिस केस के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, वो केस था नवाब मोहम्मद अहमद खान के डेथ का। तो ऐसा था कि अहमद रजा कसूरी एक अपोजिशन के मेंबर थे और उन पे कुछ लोगों ने गोली चलाई थी, और उस गोलीबारी में नवाज मोहम्मद अहमद खान, जो कि अहमद रजा कसूरी के फादर थे, उनकी डेथ हो गई। सर पे गोली लगी और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नवाब मोहम्मद अहमद खान थे, ये ऑनररी मजिस्ट्रेट थे कसूर के उस समय, जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और इन्होंने ही भगत सिंह की फांसी को सुपरवाइज किया था। और ये इनका मतलब, इनको गोली कहाँ लगी, ये लगी सदमन चौक पे, ठीक है। और ये जो चौक है, ये एग्जैक्टली उसी जगह बिल्ट है, ये एग्जैक्टली उसी जगह ये चौक है जहाँ पे वो सेंट्रल जेल था जिसमें भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और जहाँ पे उनको गोली लगी वो एग्जैक्टली वही चैम्बर था जिस चैम्बर में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा।